अखिलेश पंडित, वो 25 साल से मैं जानता हूँ, उसका पिता देवदत्त और उसका दादा वैद्य था, तो वो हमको दवाई दिया था शुरू में जब हम हरिद्वार में गए तो हमारे पास औषधि नहीं थी, तो 3 पीढ़ी से हम उसको जानते हैं। उसको एक दिन ऐसे ही पता नहीं क्या हुआ, पैरालिसिस हो गया। अब वो रोए और उसका परिवार पूरा रोए, स्वामी जी क्या करे, पैरालिसिस हो गया, मुंह टेढ़ा हो गया, हाथ पैर काम नहीं करता, चारपाई पर पड़ गया लड़का। मैंने उसको बोला तू मेरी बात मानता पहले तो होता ही नहीं है, तूने नहीं मानी अब कर ले। उसने 15 दिन तक लगातार अनुलोम विलोम किया और 15 ही दिन में वो अखिलेश पंडित प्रमाण है, हरिद्वार में कोई भी जाके देख सकता है, हरिद्वार के बड़े पंडित भी है अखिलेश पंडित, पूरा 100% कोई कह नहीं सकता इसको कभी पैरालिसिस था। अरे एक दिन तो हमारा राज्य प्रभारी सुधांशु अधिकारी उड़ीसा का, उसको पैरालिसिस हो गया, न जाने कैसे कोई क्लोट आ गया। उसने सोचा अरे ये तो मेरा योगी बदनाम हो जाएगा, मेरा गुरु बदनाम हो जाएगा, मैं राज्य प्रभारी और मुझे ही अटैक हो गया पैरालिसिस का, कोई हो गया, कोई ब्लड का कोई एक वो क्लोट आ गया। उसने अपने घर पर ही करना शुरू कर दिया, लगातार करता रहा सुबह शाम, लगातार 3 दिन के अंदर उसका वो पैरालिसिस का निकल गया, विद इन 3 डेज। कितने लोग हॉस्पिटल में लेटे लेटे पैरालिसिस हो गया 3 से 7 दिनों के अंदर, मेरे पास में ऐसे सैकड़ों लोगों के प्रमाण है कि हॉस्पिटल में ले गए पैरालिसिस हो गया, क्या करे, कोई दवाई नहीं है मेडिकल साइंस में पैरालिसिस की, अनुलोम विलोम सुबह से शाम तक लगातार, कहते ना अखंड अनुष्ठान, 12-12 18-18 घंटे लोगों ने अनुलोम विलोम लगातार किया, कोई हानि नहीं।